सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तबला ढोलक सीखें को और दबाएं बेल आइकन भी, जिससे आप पा सकें हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष नोटियाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से ही रियाज करें। तो आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा लेसन है, आज जो मैं आपसे शेयर करूँगा वो है फास्ट कैरवार, किस तरीके से आपने बजाना है, और जिसे आप स्लो स्पीड में भी बजा सकते हैं और फास्ट स्पीड में भी। ठीक है, बस ज़रूरत है कि आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से मतलब रियाज करें तो आप उसको अच्छे से बजा सकते हैं। ठीक है, इसके सिंपल से बोले मैं आपको एक उठान बताऊंगा इसका, और उठान के बाद फिर ठीक है फिर कहरवा, फिर बीच में आपको एक मतलब टुकड़ा जिस तरीके से आप वेरिएशन कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा लगा के, आप सुनते भी होंगे, बहुत ही फेमस है, और फिर उसके बाद एक तिहाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपने उठान लेना है, ठीक है, एक बार फिर से देख लें, टिट ताता टिट ताता टिट ताता टिट ताता, दो बार लेना है आपने। ठीक है, टिट ताता टिट ताता, ठीक है, और फिर टिट तक टिट टिट तक टिट। ठीक है, एक बार फिर देख लें, टिट ताता टिट ताता टिट तक टिट तक टिट, बोल बिल्कुल साफ आने चाहिए, टिट ताता टिट ताता टिट तक टिट तक। ठीक है, अब ये हो गई टुकड़े की वो शुरू में जो आप उठान लेना है आपने। ठीक है, उसके बाद जो बोल है कहरवे की, जो ठेका है जो आपने बजाना है, मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, जैसे आप टिट ताता बजा रहे थे ना ये वाला, बस वही बजाना आपने कंटिन्यूस पे, लेकिन थोड़ा ये चीज़ साइड में बजानी है आपने, इधर टिट कहाँ बजा रहे थे, साइड के ऊपर। ठीक है, जब फास्ट स्पीड हो जाएगी तब ये यहाँ भी बज सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी आपने ठीक से अच्छे से मतलब इसका रियाज कर लीजिए, और मैदान के ऊपर चिपका के इधर ये दो जो आपके दो उंगलियां हैं सियाई के ऊपर, और ये चीज मारनी है आपने इधर, इसकी प्रैक्टिस बनानी है। ठीक है, इस साइड में यही चलता रहेगा, बेस चेंज होता रहेगा, बेस आप कैसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इधर अपने ये चलाना है। ठीक है, और देख लें बेस किस तरीके से बोल क्या है, इसके बोल है आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, दूसरा वाला जो हम टिट बजा रहे हैं खाली में जो टिट लिखा हुआ है जहाँ पे जीरो का निशान है, वो जो हम टिट जो बजा रहे हैं, तो इसमें गा भी लग रहा है, टी टी बजा रहे ता में जो ये गा भी लग रहा है। ठीक है, ये आपने नोट करना है, नोट करने वाली चीज है, इससे खूबसूरती बढ़ेगी बजाने में। ठीक है, एक बार फिर से देख लें आप। ठीक है, धीरे धीरे मैं बता रहा हूं, आपने झिट पे क्या करना, बेस आगे 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 ले जाना है, लास्ट में और पहले बेस आगे जा रहा है। ठीक है, अब इसको बड़ा के, यही चीज है बड़ा के किस तरीके से बजेंगे। ठीक है, बीच में ये वेरिएशन लगाया है, इसको देख लिया आप, इसके बोल क्या है। ठीक है, ये है आगे तेरे टिट तक तक तेरे टिट तक तक तेरे टिट तक तक तेरे टिट। ठीक है, आराम से देख ले, सिंपल से बोल है इसके, आप ढोलक पे बेस खुला भी मार सकते हैं इसको। ठीक है, वेट से आगे तेरे टिट तक तक तेरे टिट तक तक तेरे टिट तक तक। ठीक है, आगे एक बार फिर से देख लें, आगे तेरे टिट तक तक तेरे टिट तक तक तेरे
ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं किसी भी गाने में, मतलब कोई भी गाना चल रहा है या फिर कोई भजन चल रहा है तो आप सीधा सीधा इस तरीके से बजा सकते हैं। लास्ट में तिहाई के तौर पे, और एक तिहाई में आपको पहले भी दे चुका हूँ जो भजन ठेका कुछ डाला था मैंने, ठीक है, उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे ठीक है, एक मैं और बता रहा हूँ आपको, लास्ट में आप तिहाई के तौर पर मार सकते हैं, जैसे या बजा रहे हैं गहरवा, ठीक है, इसे तक भी बोलते हैं और कड़ान भी, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों आपने एक साथ मार रहे हैं, इधर ता और इधर का कड़ान, ठीक है। कड़ान में थोड़ा सा क्या होता है, ये का पहले आ जाता है, ये पीछे कड़ान 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 कड़ान, ठीक है, ये इसकी तिहाई हो गई। एक बार फिर से देख रहे कान तेरे कान तेरे तेरे कान तेरे तेरे। तो एक बार फिर से देख लें आप, ठीक है, मैं पूरा बजा के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से बजेगा, ठीक है। शुरू में जैसे उठा लिया हमने, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, इस चीज की प्रैक्टिस बनाएं अच्छे से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेसन। अब इसको ढोलक पे किस तरीके से बजाना है, लगभग थोड़ा टेक्निक सेम ही रहेगी, लेकिन इसी तरीके से ढोलक पे भी बजा सकते हैं। अब देखते हैं ढोलक पे किस तरीके से बजाना है। लगभग छल्ले वाला कहरवा तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है, छल्ले वाला कहरवा उसी तरीके से इसका, उसका जो बेस, कई दोस्त मेरे को पूछ रहे थे उसका बेस किस तरीके से लगेगा, ठीक है। तो बेस जिस तरीके से मैंने आज बताया है छल्ले वाले कहरवे में, वैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, आप छल्ले वाला कहरवा तो वो देख सकते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने तबले में बताया, ठीक है, ये वाला इसी तरीके से ढोलक में भी बजा सकते हैं, थोड़ा हाथ फ्री रहेगा, सेम टेक्निक, ठीक है, बेस वैसे लगेगा जैसे बेस की। मैं एक तो ये टेक्निक मैंने बताई आपको अभी, ठीक है, आगे जा रहा है दोनों पर, लेकिन आप एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जब स्पीड में बजेगा तो फिर इसी यही वाला बेस बजेगा, ठीक है। आपने किस तरीके से लगानी है, जैसे हमने तबले पे किस तरीके से लगाई थी बीच में, ठीक है, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इसमें ऊपर को भी ता लगा सकते हैं, ठीक है, ऊपर को भी इसमें लगा सकते हैं, तबले पे भी लगा सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से ये वाला, ठीक है, जैसे ये वाला इस तरीके से, लेकिन ढोलक पे आप ऊपर को लगा सकते हैं, जैसे आगे तिहाई किस तरीके से लगानी, सेम ही लगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का लेसन, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गर्मी भी बहुत है और पंखा भी नहीं चला सकता मैं, नहीं तो फिर आवाज़ अच्छे से नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें।